हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हमने बनाया है बहुत चटपटा सा मज़ेदार सा आम का अचार। और फ्रेंड्स, ये आम का अचार हमने जो बनाया है, धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये झटपट बना है बस 15 मिनट में। और ये अचार आप बना लेंगे तो आप फौरन ही खा सकते हैं, ना धूप दिखाने की ज़रूरत, ना रखने की ज़रूरत, ना सुखाने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं है। और देखिए, देखने से ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना मज़ेदार लग रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार अचार बनता है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और हमें बताइए कैसी लगी ये रेसिपी। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, इसे धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे किसी सूखे जार में, साफ़ सुथरे सूखे जार में भर के रख लें, और फ्रिज में अगर रख लें तो ये महीनों चलता है, और शेल्फ लाइफ इसकी 10-12 दिन तो है ही, लेकिन फ्रिज में अगर रखें तो बहुत लंबा चलेगा। तो इसीलिए आप इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम एक प्यारी सी रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए लिया है हमने 4 आम, वज़न में है 1/2 किलो, ये कच्चे आम हैं। अब हम इन्हें काटेंगे, देखिए कैसे काटते हैं। तो ये अंबियाँ अभी ज़्यादा सख्त नहीं हुई, इनकी गुठलियाँ नरम हैं, तो हमने बीच से इस तरह से काट लिया है। उसी तरह सारे अंबियों को काट लेंगे हम। तो ये अंबियाँ जो हमने ली है, इसकी गुठली सख्त हो चुकी, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऊपर से स्लाइस करके हम निकाल लेंगे पीस को, इस तरह से पीस करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम काट लेंगे और अब इसके छोटे पीसेस करेंगे, इस तरह के पतले स्लाइसेस बना लेने हैं। तो ये देखिए, सारे आमों को हमने काट लिया है और छिलके नहीं उतारे हैं, ये आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये लिया है हमने 1/4 कप सिरका, ये सफ़ेद वाला सिरका है। तो इसे आम के ऊपर डाल करके और हम मिक्स कर देंगे। सिरका डालने से आम के अचार की लाइफ बढ़ जाती है, या किसी भी आप अचार में डालें तो अचार की लाइफ बढ़ती है। तो सिरका डाल के मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसे ढक करके अभी छोड़ते हैं। पैन को गर्म करके डालते हैं उसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून कलौंजी या मंगरेल। हल्का सा रोस्ट कर लेंगे कि बस ज़रा सा, कि इनकी नमी चली जाए। अब इसे निकाल के एक साइड रख लेते हैं। डाल देंगे कुछ और चीज़ें, 1 बड़ा चम्मच धनिया का, 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों का, 1 टीस्पून डालेंगे राई यानी कि काली सरसों। इससे अचार की लाइफ बढ़ती है और अचार में बड़ा अच्छा सा टेस्ट भी आता है। और अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ का, 1/2 टीस्पून मेथी डालेंगे। मेथी दाना मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ कि थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 छोटी इलायची और 8-10 दाने काली मिर्च के डाल रही हूँ। इन सबको डाल करके हमको 2-3 मिनट तक हल्की आंच पर भून लेना है, और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए, मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखा है, तो मोटा मोटा रखने से अचार में अच्छा मज़ा आता है। आम को हमने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि मसाले मिलाने में आसानी रहे। अब हम मिला देते हैं 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अचार ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने 1 ही टीस्पून डाला है, आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे अचार में अच्छा सा कलर आ जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में टेस्ट करके मिलाना होगा तो और मिलाऊँगी। और अब मैं मिलाने जा रही हूँ ये अपना खुशबूदार अचार वाला मसाला। तो देखने से कितना अभी खुश रंग सा लग रहा है अचार, और इसके मज़ा तो क्या कहने। अभी तो बाकी चीज़ें मिलानी बाकी हैं फ्रेंड्स, बस मैं मसाला और नमक को मिला करके मिक्स कर रही हूँ। और अब मसालों को मिक्स करने के बाद चलिए हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अभी हम इसे ढक करके रख देते हैं। अब हम पैन में ले लेते हैं 250 ml सरसों का तेल, और अब हम इसे गरम कर लेंगे अच्छी तरह से। तो तेल देखिए अच्छी तरह गरम हो चुका है, बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है।
अब इसमें हम चुटकी भर हींग डाल देंगे। हींग से अचार का मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स। और अब हम एक और चीज़ इसमें डालने वाले हैं। ये हमने पूरी एक पॉड लहसुन के लिए थी और इसे हमने घिस लिया यानी कि ग्रेट कर लिया। तो अब इसे गरम गरम तेल में डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब हम अचार के ऊपर जल्दी से डाल देंगे। ये गरम गरम तेल को ऊपर से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, ये झटपट बनने वाला अचार बहुत जल्दी बनता है। आप जब चाहें इसे बना के खा सकते हैं। इसमें ना धूप दिखाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे एक दिन के लिए बना करके छोड़ देंगे और उसके बाद हम आराम से इसे सर्व कर सकते हैं। तो आसानी से बनने वाला ये अचार आपको ज़रूर पसंद आएगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और आप इसे अगर फ्रिज में रखें तो 6 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो अब सब चीज़ें हमने इसमें मिला दी हैं और इसे अभी ढक करके छोड़ेंगे। ये देखिए, हमने आधे घंटे के लिए इसे ढक के छोड़ा था मसालों को मिलाने के बाद, और कितनी अच्छी रंगत है अचार की। बहुत लाजवाब अचार बनके तैयार हुआ है और बहुत टेस्टी। फ्रेंड्स, आप जब खाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितनी अच्छी रेसिपी बनी है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी मज़ेदार चटपटी सी चीज़ लेकर के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।